नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया केस बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सिकंदरपुर बरिया क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण से स्कूल चलो अभियान का जागरूकता रैली निकाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश परिषदीय शिक्षा में अपना स्थान स्थापित करने वाला विद्यालय जूनियर हाई स्कूल छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने निकाली स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली से संचारी रोगों एवं वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी राजेश कुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामवचन यादव, नगर चेयरमैन रविंद्र वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जहीर आलम अंसारी मौजूद रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की ये रिपोर्ट। सर, अभी आप शिक्षा अभियान के अंतर्गत नगर का भ्रमण किए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, नगर भ्रमण ना था, ये एक जागरूकता रैली थी कि कोई भी बच्चा जो कि शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो जाए, इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए पूरे नगर क्षेत्र में एक रैली निकाली गई, ताकि कोई भी बच्चा इस पर छूट हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार। सर, जैसे आज आधुनिकीकरण में निजी विद्यालयों के तरफ अभिभावक ज्यादा अपना रुझान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है सिकंदरपुर का, एक जिले में स्थान रखता है, उसका आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कारण क्या है कि प्रतिवर्ष यहाँ 1000 से ऊपर ही बच्चों की संख्या रहती है। निश्चित तौर पर यहाँ के अध्यापक बधाई के पात्र हैं, जो इस निजी दौर में भी अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए इच्छुक हैं और अभिभावकों का विश्वास बनाए हुए हैं। सर, आप शिक्षा को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर, यही संदेश देना चाहेंगे कि इस महंगाई के युग में आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ न जाकर, अगर इतनी अच्छी शिक्षा आपको यहीं पर मिल रही है सरकारी क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पर अपना शत प्रतिशत नामांकन विद्यालय में कराना चाहेंगे। इधर है, ठीक है फिर। अच्छा, सर जैसे शिक्षा के अधिकार 2019 अधिनियम के अंतर्गत यह है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इस पे आप किस तरह की पहल करते हैं? सर, एक भी बच्चा कोई सभी अभिभावकों को और सबको जो है जागरूक किया जाना है कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, और शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत 25% जो है आलाभी समूह के बच्चे, अगर कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय है वह वहाँ भी पढ़ा सकता है जो बच्चे उसमें जो है इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना चाहे, और वैसे हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित हो रहे हैं और अधिकाधिक काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सर, वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंध समिति की जो गठित हुई है उसका कैसा सहयोग मिल रहा है? काफ़ी अच्छा सहयोग है और हर काम हमारे उसमें जो है विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के बैठक और उसके उपरांत जो है लिए गए निर्णय के अनुसार ही किए जाते हैं, और उसमें भरपूर सहयोग मिलता है। PMDM योजना संचालन में माँ समूह गठित की गई है, जिसमें माँ समूह के सदस्य सब आते हैं और उसका जो है उनकी देख रेख में सारी चीज़ें। सर, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से क्षेत्र के अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अब स्कूल चलो अभियान ही केवल नहीं, इसमें हम लोग संचारी रोग से बचाव व वृक्षारोपण से भी जो है उसकी जागरूकता के प्रति जो है कि पर्यावरण के उसमें जो है हमारे वृक्ष कितने काम उसमें उपयोगी हैं, उसका भी हम लोगों ने इसमें बच्चों को जानकारी देनी है और गाँव और इसमें अभिभावकों को भी दिया जाए। गवर्नमेंट की इस बार 22 करोड़ योजना है वृक्षारोपण, उसमें किया है। धन्यवाद सर, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम जहीर आलम अंसारी है, मैं जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर खड़ा हूं। सर, ऐसा देखा जाता है कि आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप किस तरह का फंडा अपनाते हैं? कारण क्या होता है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है? फंडा नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन और बच्चों में ज्ञान का सृजन जो किया जाता है, उससे हमारा संदेश अभिभावकों में, बच्चों में, समाज में जाता है और उसी का लाभ इस विद्यालय मिलता है कि हमेशा नामांकन पर करके होता है बच्चे पढ़ने हमारे जूनियर हाई स्कूल की ओर ज़्यादा होंगे। आजमगढ़ के रोहुआ पार के पेट्रोल टैंकी पर बिना हेलमेट के दिया जा रहा है पेट्रोल, प्रशासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बिना हेलमेट के तेल दे रहे हैं? क्या हुआ? यहाँ प्रशासन से आपको आदेश नहीं मिला क्या? पुलिस वाले आए थे कि नहीं यहाँ पे? प्रशासन से आपके पास मैसेज आया था ने? फिर आप क्यों दे रहे हैं बिना हेलमेट का तेल? यहाँ बोर्ड चिपकाइए। कैमरा चालू है कि नहीं आपका? कितने लोग को दिए तेल? हेलमेट बिना हेलमेट के तेल क्यों दे रहे हैं आप यहाँ? बंद करिए तेल देना। आपके पास मैसेज भी आया होगा। ठीक है सर, हम ले लेंगे। क्या हुआ? प्रशासन से आदेश। आजमगढ़ के लालगंज में रोड का काम चालू हो गया है। यह रोड लालगंज से गोसाई की बाजार तक बनेगा। अभी इससे यहां की जनता को काफी राहत है, नहीं तो आए दिन यहां हादसे होते रहते थे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आप इसमें हैं? ये आपका शुभ नाम? ये मेरा नाम परमानंद राय है। अच्छा, ये जो है बाईपास रोड निकल रहा है? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये? अभी हमारा बन रहा है। कैसो मीटर है? मोहम्मदपुर से लेके हम लोग का लालगंज का एरिया जो है। जी जी, वो आपको जान मिल सकते। अच्छा अच्छा, अभी ये कैसो मीटर तक काम हो रहा है? अभी काम इस पे हमारा जो है 20 किलोमीटर काम हुआ। अच्छा, 20 किलोमीटर तक। अच्छा अच्छा, आप कौन है इसमें? हम यहाँ सेफ्टी मैनेजर है। सेफ्टी मैनेजर। अच्छा अच्छा, सेफ्टी मैनेजर। संजय कुमार यादव। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये रोड बन रहा है आजमगढ़ से। अभी ये कैसे मीटर काम करा रहे हैं? 2 किलोमीटर और बचा है। अच्छा, यहाँ से 100 मीटर बनेगा अभी? यहाँ से? हाँ, यहाँ पे तो 300 मीटर बचा है। 300 मीटर बचा है? हाँ, अभी एंट्रेंस की वजह, स्कूल के एंट्रेंस की वजह से बचा है। अच्छा अच्छा, फिर इसके आगे काम चालू आ गए? इसके आगे पूरा काम चालू है। अच्छा अच्छा, चलिए। ये सभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोर्स वन सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विस, वी प्रोवाइड ऑल टाइप सिक्योरिटी, बॉडी गार्ड, बाउंसर एंड सिक्योरिटी गार्ड। कॉन्टेक्ट ऑन 8317070751 एंड 9919229153 एंड 9696859393। ब्रेक के बाद का फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। सोनभद्र स्थानीय थाना ओबरा के अंतर्गत टोला कड़िया के रहवासियों की आवाज, शौचालय और पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण, इनकी समस्या क्या है सुनते हैं इनकी जुबानी। और वहीं सोनभद्र ओबरा में तैनात पूर्व सैनिक, उसी गाँव के समीप स्टोर पोस्ट बना हुआ है और उसी पोस्ट के ऊपर 11,000 वोल्ट हाई टेंशन का तार गया है और यह तार बिना किसी सपोर्ट के लगा है और पूर्व सैनिक के जवान बिना किसी खौफ के दिन रात वहां ड्यूटी कर रहे हैं। इस हाई टेंशन तार के कारण कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। और वहीं परियोजना से राख निकलकर पाइप के माध्यम से सोन नदी में जा रहा है, जिससे नदी में पानी कम, राख ज्यादा देखने को मिल रहा है और नदी का पानी दूषित होता जा रहा है। न जाने कितने ग्रामीण और जीव जंतु उस नदी का पानी पीकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आखिर यह गरीब ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ क्यों? कोई उच्च अधिकारी या छोटे गांव में क्यों नहीं जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यह सवाल अब भी बना हुआ है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता दिनेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कौन सा, कहाँ निवासी है आपका? कड़िया। ये बताइए, आपके गांव में टोटल कितने घर हैं? 40 घर है।
40 घर हैं और आवास आवंटित कितने लोगों को है? 40 घर में देखिए 5-6 घर मिला है बस। पांच प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में सिर्फ 5 लोगों को आवास आवंटित हुआ है। और शौचालय कितना बना है? इसमें से 11 बना हुआ। अच्छा, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वल गैस योजना वाले में गैस किसको किसको मिला है? गैस मुझे भी मिला है। और पता नहीं, हम नहीं बता सकेंगे भाई किसका। कितने आदमी को? 10 आदमी। 10 आदमी को? आइए सामने सर आइए। तो गैस मिला होगा 10 आदमी को और बाकी को नहीं मिला है ना। और ये जो शौचालय बना है, जैसे शौचालय में देख रहा हूँ, शौचालय के सामने शौचालय तो बन गया है लेकिन उसके आगे दरवाजा नहीं है। क्या दरवाजा लगा ही नहीं था कि दरवाजा टूट गया? नहीं, दरवाजा लगा था लेकिन तो लड़के लोग मार दिए तो टूट गया। आपने मतलब कमजोर दरवाजा था? कमजोर दरवाजा है। अच्छा, ये आवास अब आप लोगों को नहीं मिला तो अपने ग्राम प्रधान से आपने कुछ कहा, कुछ शिकायत किसी से? नहीं, कोई शिकायत नहीं की है। क्यों भाई? अब वो अपना मर्जी से देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री का मतलब कोई भी आपको योजना आप लोगों को नहीं मिल पा रहा पूरी तरह? नहीं। पीलीभीत माधव टांडा कोतवाली के थानाध्यक्ष उमेश सिंह सोलंकी की उपस्थिति में लोगों की समस्याओं को सुना गया। पीलीभीत से हमारे संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अरे प्रधान जी, हेलो प्रधान जी, यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना गया? हाँ बिल्कुल, बदस्तूर सुना गया। हमेशा ये तो एक परंपरागत मतलब मीटिंगें होती हैं जी, और त्योहारों के संबंध में होती हैं। ये त्योहारों के संबंध में थी? हाँ, त्यौहार जब होते हैं तो हम लोग एक समन्वय बैठक मतलब इनके माध्यम से सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं पूरे क्षेत्र के। बड़ा सामंजस्य होता रहता है हमारे क्षेत्र में, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। तो इस बार सारे त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं इसलिए मीटिंग की गई? नहीं, हमेशा होती है। हमेशा? हाँ, खासतौर से इस बार तो कुछ ज़्यादा ही त्यौहार हैं। 12 को भी है, 13 को भी है, 14 को भी, 15 को भी है, तो इसलिए और भी अहम थी तो समय से बैठक कर ली। ठीक है, ठीक है। सीओ साहब भी आ जाने को थे? सीओ साहब हैं, सीओ साहब सामने को बैठे, सीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, कोतवाल साहब हैं और सभी सभी चौकियों के हमारे थानेदार हैं। ठीक है, बढ़िया मतलब जो है सबका तालमेल रहता है, समाज का बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छा है, यहाँ के गांव साफ सफाई अच्छी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और त्यौहार अच्छा ही मनना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई है ताकि कोई लेडीज आए, किसी को कोई परेशानी ना हो, पैदल अपने गाँव आते हैं, अपने माँ बाप के घर आते हैं, कोई दिक्कत ना हो, इसी चक्कर में मीटिंग होते जाएंगे। ये सभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।